गुजरात के 2002 नरोदा गांव दंगा केस में सभी आरोपी बरी। पूर्व मंत्री माया कोडनानी, बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी सबूतों के अभाव में छूटे। नरोदा गांव दंगे में 11 लोगों की हुई थी मौत। पीड़ित पक्ष ने फैसले का किया विरोध, कहा नहीं हुआ इंसाफ। अतीक अशरफ के मर्डर का प्रयागराज में किया गया रिक्रिएशन। दो डमी किरदार बनाकर पुलिस ने एक एक सीन को किया शूट। अतीक अशरफ को मारने के लिए हमलावर किधर से आए, कैसे हमला किया, सब कुछ किया गया रिकॉर्ड। तीनों शूटर्स के सरेंडर का सीन भी किया गया रिक्रिएट। गोली चलाने के बाद तीनों जमीन पर लेटे। शाइस्ता प्रवीण की अरबों की प्रॉपर्टी जब्त करने की तैयारी में यूपी एसटीएफ। प्रयागराज से दिल्ली हरियाणा तक फैले रियल एस्टेट के कारोबार का पता चला। इमरान प्रताप गढ़ी और अतीक अहमद के रिश्ते को लेकर बीजेपी हुई हमलावर। पूछा, राहुल बताएं उनका नेता अतीक की तारीफ क्यों कर रहा है। अतीक अशरफ मर्डर को लेकर शिवपाल यादव ने योगी सरकार को घेरा, कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल। राजूपाल हत्याकांड में आरोपी अब्दुल कवि का भाई गिरफ्तार। कौशाम्बी पुलिस ने अब्दुल वली को धर दबोचा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पीआरओ रमाकांत दुबे ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, सुरक्षा की मांग की। रमाकांत की वजह से ही जेल गया था अतीक अहमद। यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के वकील का खर्चा नहीं देगी पंजाब सरकार। सीएम भगवंत मान ने वापस लौटाई फाइल। मुख्तार अंसारी की बीवी अफशा अंसारी पर 75,000 का इनाम। कई डिस्ट्रिक्ट में तलाश रही है पुलिस। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका। आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद। ग्रेनेड हमले की वजह से सेना की गाड़ी में लगी थी आग। एनसीपी को एकजुट करने में जुटे शरद पवार। मुंबई में कल कार्यकर्ता सम्मेलन, अजीत पवार का नाम गायब। शरद पवार सम्मेलन को करेंगे संबोधित, मौजूदा सियासी हालात संगठन पर होगी चर्चा। सम्मेलन में शामिल न होने पर अजीत पवार की सफाई, कहा पुणे में मेरा कार्यक्रम इसलिए मैंने मना किया। एनसीपी चीफ शरद पवार से मिले संजय राउत, दोनों के बीच करीब 25 मिनट तक हुई बातचीत। संजय राउत बोले महाविकास अघाड़ी मजबूत होनी चाहिए, कांग्रेस एनसीपी और उद्धव शिवसेना नहीं टूटनी चाहिए। संजय राउत का आरोप, शिवसेना की तरह एनसीपी को तोड़ना चाहता है शिंदे गुट, महाविकास अघाड़ी को बचाने के लिए आवाज उठाता रहूंगा। संजय राउत खुद को शरद पवार और महाविकास अघाड़ी का चौकीदार समझ रहे हैं। शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट का बयान। संजय शिरसाट बोले अजीत पवार कुछ करें या न करें, राउत बोल बोल कर विरोध पैदा कर देंगे। मुंबई में उद्योगपति गौतम अडानी और शरद पवार के बीच मुलाकात। पवार के घर सिल्वर ओक में 2 घंटे तक हुई बातचीत। राहुल गांधी की सजा पर नहीं लगेगी रोक, सूरत कोर्ट ने एक लाइन में फैसले में कहा मांग खारिज। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे राहुल गांधी, फिलहाल राहुल गांधी की जमानत जारी रहेगी। याचिका खारिज होने पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। जयराम रमेश ने केस को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा अगर कोई समझता है कि इससे राहुल की आवाज रुकेगी तो ऐसा नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा राहुल गांधी के पास अब भी देश से माफी मांगने का वक्त है। राहुल की याचिका खारिज होने पर बोली बीजेपी, गांधी परिवार का सारा घमंड चकनाचूर। राहुल के समर्थन में उतरी महबूबा मुफ्ती, कहा संविधान को खत्म करके अपने एजेंडे को चलाना चाहती है बीजेपी। मध्यप्रदेश में चुनाव की तैयारियों के बीच दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कांग्रेस का संगठन कमजोर, इलेक्शन मैनेजमेंट में रहती है कमी। दिग्विजय सिंह के बयान पर बोले विश्वास सारंग, कहा वो ऐसे ही कमलनाथ को पटखनी देंगे। बीजेपी की चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे अमित शाह, कल कर्नाटक में रोड शो करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का दावा 2014 और 2019 की तरह 2024 में भी जीतेंगे। बीजेपी नेता के ईश्वरप्पा का आरोप, लिंगायत का कार्ड खेलकर कांग्रेस जाति जाति को अलग कर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया का आरोप, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक की जनता को कर रहे हैं गुमराह। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ का बीजेपी पर तंज, कर्नाटक की जनता 40% कमीशन की सरकार नहीं चाहती। चुनाव आयोग ने पलानी स्वामी को AIADMK का महासचिव बनाने की मंजूरी दी। चेन्नई में AIADMK नेताओं ने मनाया जश्न। AIADMK महासचिव के पलानी स्वामी का बयान, तमिलनाडु में पार्टी को सत्ता में वापस लाना ही मेरा लक्ष्य। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए तैयार तृणमूल कांग्रेस, 25 अप्रैल से नया जनसंपर्क कार्यक्रम चलाएगी। अमित शाह को फोन करने वाले दावे पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता का चैलेंज स्वीकारा, कहा उन्हें कोर्ट जाना चाहिए, मुसीबत पड़ने पर वो सरेंडर करती है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे अपने बेटे और मनसे नेताओं के साथ सीएम एकनाथ शिंदे से मिले, खारगर मौत मामले पर की चर्चा। खारगर मौत मामले में महाराष्ट्र सरकार का एक्शन, जांच के लिए 1 सदस्यीय कमेटी गठित की। पीएम मोदी ने किया विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन, कहा संकट के वक्त मानवता के साथ खड़ा होता है भारत। पीएम मोदी ने कहा अमृतकाल में भारत के पास बड़ा लक्ष्य और वैश्विक कल्याण के नए संकल्प भी। 29 अप्रैल को वाराणसी में काशी तेलुगु संगम प्रोग्राम, पीएम मोदी करेंगे कार्यक्रम को संबोधित। होम मिनिस्टर अमित शाह ने SCO देशों के साथ बैठक की, सुरक्षा अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर हुई बात। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो SCO समिट में होंगे शामिल। गोवा में 4 और 5 मई को होनी है समिट। मई में होने वाले SCO बैठक में पाकिस्तान की शिरकत करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोले किसी एक देश पर फोकस करना सही नहीं। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद खत्म, समझौते पर हिमंत बिश्व शर्मा और पेमा खांडू ने किए दस्तखत। गृहमंत्री अमित शाह ने समझौते को बताया मील का पत्थर, कहा सभी को साथ लेकर किया विवाद का निपटारा। समझौते के बाद बोले असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा, इससे पूर्वोत्तर के राज्यों में शांति और विकास की स्थापना होगी। यूएन में बोली भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज, भारत ग्लोबल चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध। यूएन में भारत ने दी जानकारी, G20 में सबसे ज्यादा अफ्रीकी देश हुए शामिल।
अखिल गोगोई के पीएफआई से कनेक्शन की जांच को लेकर केंद्र ने 4 वकीलों को स्पेशल प्रोसिक्यूटर के रूप में नियुक्त किया। भारतीय वायुसेना मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज में हिस्सा लेगी। 24 अप्रैल से 4 मई तक ग्रीस में होगा आयोजन। पीजी 2023 के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा 5 से 12 जून तक होंगी। यूजीसी के अध्यक्ष ने दी जानकारी। दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचे राहुल गांधी, यूपीएससी अभ्यर्थियों से की मुलाकात। भगौड़े अमृतपाल की पत्नी किरणदीप को अमृतसर एयरपोर्ट पर यूके जाने से रोका गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिमला में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज का दौरा किया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी उनके साथ रहे मौजूद। सचिन पायलट ने जयपुर में रामप्रसाद मीना के परिवार से की मुलाकात। जमीनी विवाद में की थी आत्महत्या। सचिन पायलट ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। कहा, जांच के दौरान पुलिस पर ना हो कोई दबाव। रामप्रसाद मीना सुसाइड केस पर सियासत तेज। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा बोले, सरकार सुरक्षा देती तो ये नौबत ना आती। दिल्ली हवाई अड्डे का नया टर्मिनल और 4th रनवे सितंबर में चालू होगा। एविएशन सेक्रेटरी ने दी जानकारी। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की मांग, अयोध्या के राम मंदिर की तरह मथुरा में भी श्रीकृष्ण का भव्य मंदिर बने। 4 धाम यात्रा को लेकर सभी विभाग करेंगे मॉक ड्रिल। आपदा दुर्घटना के समय की तैयारियों की होगी समीक्षा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी। देहरादून में सीएम पुष्कर धामी ने की मीटिंग। राज्य की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। बिहार से लेकर दिल्ली समेत कई राज्यों में सीबीआई की दबिश। आईआरसीटीसी वेबसाइट से आरक्षित टिकटों की गड़बड़ी मामले में 12 जगह पर रेड। बिहार में बीजेपी विधायक ने सीओ और राजस्व कर्मचारी को पीटा। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से विधायक हैं राजू सिंह, उन पर केस दर्ज। तेलंगाना के काजीपेट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ का एक्शन। बिहार से तस्करी कर लाए 34 बच्चों को बचाया गया। सभी बच्चों को बिहार उनके घर वापस भेजा जाएगा। तेलंगाना सरकार सारा खर्चा उठाएगी। गुजरात के अरावली में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लखनऊ में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक महिला से की लूटपाट। चेन लूटने के दौरान महिला बदमाश से भिड़ गई। लूटपाट की तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद। लखनऊ के कृष्णानगर के आश्रम रोड पर हुई वारदात। ग्रेटर नोएडा में पीएम के साथ फोटो एडिट कर धोखाधड़ी करने वाला गिरफ्तार। मोहम्मद काशिफ को एसटीएफ और पुलिस ने किया गिरफ्तार। असम राइफल्स ने 2 शख्स को गिरफ्तार किया। 3 करोड़ की अवैध सिगरेट और 2 गाड़ियां भी सीज की। जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में एवलांच की चेतावनी। अगले 24 घंटे के लिए डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन और बारामूला में अलर्ट जारी। दिल्ली में तेज हवा के साथ हुई बारिश। मौसम में बदलाव की वजह से लोगों को गर्मी से मिली राहत। जेएनयू के हॉस्टल में पानी की किल्लत। स्टूडेंट्स ने कैंपस में किया प्रदर्शन। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार और पूर्व डीआरडीओ वैज्ञानिक ओपी मनोचा की लिखी पुस्तक साइबर एनकाउंटर्स के अंग्रेजी संस्करण का विमोचन हुआ। आईआईटी दिल्ली के सेमिनार हॉल में पुस्तक का विमोचन। साइबर अपराध से लोगों को जागरूक करने के लिए लिखी गई किताब। मेघालय में टैंकर और कार की टक्कर के बाद लगी आग, उठा धुएं का गुबार। यूपी के बांदा में अवैध गन फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले। 24 घंटे में 12,591 नए केस आए सामने। 10,800 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। देश में अब 65,286 एक्टिव केसेस। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,113 नए केस दर्ज। एक्टिव केसों की संख्या 6,000 के पार। पीएम मोदी ने डेनमार्क की पीएम से की बात। भारत डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की समीक्षा भी की। सूडान संकट पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, स्थिति बेहद तनावपूर्ण है, हम लोगों की सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्री से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। सूडान की स्थिति पर की चर्चा। सीज फायर के बीच सूडान में फिर हुई लड़ाई। सेना और सैनिक बलों ने किया था 24 घंटे के युद्ध विराम का ऐलान। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियास दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए। जनसंख्या में आगे निकलने पर भारत से चिढ़ा चीन। नस्लवादी टिप्पणी कर कहा, सिर्फ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी चाहिए। स्पेसएक्स ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट, लेकिन पहली परीक्षण उड़ान के दौरान फट गया। FSSAI ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के फूड कमिश्नर्स को लिखा पत्र। कावाइट से फल पकाने वालों पर एक्शन लेने के निर्देश दिए। HCL टेक्नोलॉजीज के Q4 के नतीजे आए। नेट प्रॉफिट 10.85% से बढ़कर करीब 4,000 करोड़ हुआ। यूएस डॉलर के मुकाबले 10 पैसे मजबूत हुआ रुपया। एक डॉलर की कीमत 82.15 रुपए। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 64 और निफ्टी 5 अंक चढ़कर बंद। यूएस फेडरल रिजर्व मई में ब्याज दर बढ़ा सकता है। ब्याज दर पर टिकी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की नजर, जिससे खरीदारी और बिकवाली हो रही है कम। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने रूस से क्रूड ऑयल के लिए अपना पहला ऑर्डर दिया। अगले महीने कराची बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद। और मुंबई के बाद दिल्ली में खुला एप्पल स्टोर। सीईओ टिम कुक ने की शुरुआत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।